नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आपका विशेष रूप से बिहार प्रधानाध्यापक शिक्षक बहाली से संबंधित है। देखिए, आपका प्रधानाध्यापक की जो एग्ज़ाम अभी हाल में ही हुई और उसका रिजल्ट भी आ गया और मात्र 421 अभ्यर्थी इसमें पास कर पाए, 6000 सीट खाली रह गया। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो 6000 सीट जो खाली रह गया था ना, इसकी वैकेंसी आने वाली है और इसी माह के अंत तक आने वाली है। जी हाँ, और पिछले बार भी प्रधानाध्यापक की तैयारी करवाई गई थी, लेकिन पिछले बार समय बहुत कम मिल पाया था, लेकिन इस बार अभी से ही आप तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल पर जो क्लास चल रहा है आपका प्रधान शिक्षक का और प्रधानाध्यापक का, आप देखिएगा दोनों का सिलेबस ना लगभग सेम है, और पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था प्रधानाध्यापक का जो सिलेबस था उसी अनुसार इस बार भी सिलेबस रहेगा और उसी अनुसार तैयारी करवाया जाएगा। पिछले बार भी मैंने पूरा तैयारी करवाया, बहुत कोशिश करवाया, लगभग 50 टेस्ट से ज़्यादा मैंने प्रधानाध्यापक का सिर्फ लिया था। उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा भी हुआ, लेकिन समय कम मिलने के वजह से और ऑप्शन ई होने के वजह से, क्वेश्चन का लेवल काफ़ी हाई होने के वजह से बहुत कम लोग इसमें पास कर पाए थे, और फिर से प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आने वाली है। तो ये बहुत ही खुशखबरी है आप सभी के लिए। और यहाँ पर क्या अपडेट है, ये आज का ये पेपर का कटिंग है दोस्तों, 11/9/2022 दैनिक भास्कर का। तो चलिए देखते हैं इसको पूरा डिटेल से कि आखिर इसमें क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे तैयारी करनी है, कब वैकेंसी आएगी, कैसे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जो इसकी तैयारी का वीडियो है वो आपको मिलता रहे। कैसे तैयारी करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कह रहा है कि शिक्षा विभाग की तैयारी, अगले माह BPSC को जारी होगा पत्र। जी हाँ, नेक्स्ट मंथ पत्र जारी किया जाएगा। किस को? BPSC को, और फिर से BPSC ही एग्ज़ाम लेगी। कह रहा है कि 6000 प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए इसी साल निकलेगी वैकेंसी। जी हाँ, इसी साल वैकेंसी आ जाएगी, और दोस्तों अभी से ही आप तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अभी से ही लग जाइए, जिस अनुसार से पिछले बार तैयारी किए थे तो छोड़िए मत, जब तक इस बार तोड़िएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि राज्य के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 6000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी इसी साल निकलेगी, और इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगले माह BPSC को वैकेंसी निकालने के संबंध में शिक्षा विभाग से अनुरोध पत्र चला जाएगा, और पहले से बनी नियमावली के आधार पर ही प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होगी। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, जिस अनुसार से पहले हुआ था उसी अनुसार से होगा, तो आपको तैयारी करने में काफ़ी सहूलियत होगा। पिछले वाला जो तैयारी किए हैं आपका वो काम आ जाएगा। तो डेली आप तैयारी करते रहिएगा, हमारे चैनल पर पूरी तैयारी करवाई जाती है दोस्तों, और इस बार भी पूरी तैयारी करवाई जाएगी। कह रहा है कि 6421 प्रधानाध्यापकों की पदों के लिए इस साल 5 मार्च से 21 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे, और 31 मई को पटना के 25 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा ली गई थी। 4 मार्च से 21 अप्रैल तक आवेदन लिया गया था और 21 मई को एग्ज़ाम ले लिया गया, तैयारी करने का मौका ही नहीं मिल पाया। आगे कह रहा है दोस्तों कि 21 अगस्त को परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, जिसमें मात्र 421 शिक्षक ही प्रधानाध्यापक बनने के लिए योग्य पाए गए। अब कह रहा है कि शेष 6000 पद रिक्त रह गए हैं। 23-24 शैक्षणिक सत्र में 6000 उच्च माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो सकेगी। जी हाँ, 23-24 जो शैक्षणिक सत्र होगा उसमें 6000 जो सीट बचा हुआ है उसमें नियुक्ति किया जाएगा। कह रहा है कि पिछली बार की तरह ही प्रधानाध्यापक लिखित यानी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में समान अध्ययन के 100 प्रश्न यानी कि 100 अंक के, और BEd कोर्स से संबंधित 50 प्रश्न यानी कि 50 अंक के पूछे जाएंगे। एक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटने का प्रावधान भी होगा। तो प्रक्रिया वही है जिस अनुसार से पिछली बार तैयारी क्रिया किया गया था और एग्जाम जो हुआ था, जिसमें 100 प्रश्न आपका समान अध्ययन, 50 प्रश्न आपका BEd से संबंधित।
अब यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि इस माह के अंत तक शिक्षा विभाग को मिल जाएगी अनुशंसा। कह रहा है कि प्रधानाध्यापक पद के लिए चयनित 421 अभ्यर्थियों की अनुशंसा बीपीएससी से इस माह के अंत तक शिक्षा विभाग को मिल जाएगी। नवंबर तक चयनित को स्कूल आवंटित किए जाएंगे, यानी कि नवंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगा। वैसे तो प्रधानाध्यापक प्रमंडल स्तर के पद हैं, लेकिन कम चयन के लगभग सभी अपने अपने जिलों में ही प्रधानाध्यापक नियुक्ति हो जाएंगे, यानी कि जो इस बार 421 हुआ था उसमें सब अपने अपने जिले में ही चले जाएंगे। कराएंगे प्रधानाध्यापक का मूल वेतन 35,000 निर्धारित है, इसमें डीए व एचआरए सहित अन्य भत्ता जोड़ने के बाद लगभग 50,000 से 52,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। यानी कि जो आपका वेतन भी यहाँ पर दिया गया है 35,000 मूल वेतन है, और इसमें डीए टीए एचआरए बहुत सारा भत्ता इसमें जोड़ने के बाद कितना हो जाता है 50,000 से लगभग 52,000 तक आपको स्टार्टिंग सैलरी है, तो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि किस जिला में कितना वैकेंसी आने वाला है। दोस्तों कह रहा है कि 6,421 पदों के हिसाब से जिलावार रिक्त, पिछला बार जो यही रिक्ति था है ना, किस जिला में कितना सीट है। और इस बार कह रहा है कि प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता के बारे में आपको ये सीट आप देख लीजिएगा कि किस जिले में कितने सीट हैं, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं। कह रहा है कि प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता, अब योग्यता सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर आप योग्य हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं, तो अभी से ही क्यों ना तैयारी में लग जाइए है ना। कह रहा है कि न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक, न्यूनतम कितना है 31, अधिकतम कितना है 47 वर्ष की आयु के शिक्षक प्रधानाध्यापक के आवेदन पात्र होंगे। जी हाँ, वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी कि सी टेट में उत्तीर्ण होना जरूरी है या बी टेट में उत्तीर्ण होना जरूरी है। ठीक है, कह रहा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी कि MA है ना PG उत्तीर्ण होना चाहिए, और SC ST अति पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दिया जाएगा। मतलब कि जो SC ST OBC या फिर EWS से आते हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी है ना, और जो जनरल में आते हैं उनको 50% अंक से पास होना चाहिए क्या तो स्नातकोत्तर। अब देखिए क्या कह रहा है कि 6,000 प्रधानाध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द से चयन प्रक्रिया शुरू कराने के लिए BPSC को आग्रह किया जाएगा, और BPSC के माध्यम से परीक्षा लेकर चयन के बाद राज्य के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक मिल जाएगा। जी हाँ, ये दीपक कुमार सिंह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और इन्हीं के कमलों से ये आपको बताया गया है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा मतलब कि अपॉर्चुनिटी है, पिछले बार अगर आप नहीं पास कर पाए, मात्र 421 ही लोग पास कर पाए थे, तो इस बार आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि सीट भी अच्छा खासा है और यहाँ पर कैंडिडेट भी बहुत कम है ना। पिछले बार भी बहुत कम फॉर्म भराया था और बहुत कम लोग एग्ज़ाम भी दिए थे, कुछ लोग गलती भी कर दिए थे, लेकिन इस बार गलती नहीं कीजिएगा, अच्छा मौका है ना। बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये फिर से वैकेंसी आने वाली है, हमें लगता है कि ये आपको अक्टूबर या नवंबर तक वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इस साल के अंत तक बोला जा रहा है, तो अक्टूबर नवंबर तक ये वैकेंसी, नवंबर तक हमें लग रहा है कि आ जाना चाहिए, क्योंकि इसी माह BPSC को भेजा जाएगा वैकेंसी के लिए। ठीक है, और उसको पर फिर मोहर लगेगा, उसके बाद फिर आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और इस बार भी उसी तरीके से एग्ज़ाम होगा। पिछले बार भी पूरा तैयारी करवाया गया था, नहीं आपको पता है तो जाकर के हमारे चैनल पर देख लीजिए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्रधानाध्यापक का अलग फाइल बना हुआ है ना, आपको सारा टेस्ट वहाँ पर मिल जाएगा। और इस बार भी हम अगले फिर से नए तरीके से तैयारी करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, जिस अनुसार से पिछले बार हुआ था, इस बार भी बिल्कुल नए तरीके से तैयारी करवाया जाएगा, शुरू से करवाया जाएगा है ना। ये मत सोच लीजिएगा पिछला बार करवा दिए तो इस बार नहीं होगा, इस बार भी शुरू से जीरो से ही तैयारी करवाया जाएगा। तो टेंशन मुक्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आज रात में हम 9 बजे लाइव भी आएंगे। ठीक है, आज रात में 9 बजे लाइव आएंगे, जिसमें इस पर भी चर्चा किया जाएगा, प्रधानाध्यापक पर भी और प्रधान शिक्षक पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधान शिक्षक की तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 18 दिसंबर को डेट दिया गया है, आप देखिए, और उसकी तो तैयारी करवाई ही जा रही है, प्रधानाध्यापक की करवाई गई थी है ना, और फिर से प्रधानाध्यापक की वैकेंसी आ रही है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी तैयारी
पूर्ण हो जाएगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर हम मिलते हैं आज रात में 9 बजे से। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।